हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो सुबह सुबह वजह है नौ, तो हमारी पूजा पाठ हो गई है। और मौसम की बात करें तो आप बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोहरा लगा हुआ है। हाय बोलो बेटा। हाय गाइस। इसकी तबीयत खराब है गाइस थोड़ी, इसलिए सुस्त दिख रही है। आप बहुत दिन हो गए पर दवाई तो दे रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रही है। ठंडा ज़्यादा हो गया मौसम, शायद इस वजह से भी हो रहा होगा, इसलिए बात नहीं कर रही आप लोगों से। ये आ रही है मेरी चुड़ैल सी बीवी, जिसकी शक्ल एकदम चुड़ैल जैसी है। और ये मेरी दादो बिट्टो चिट्टो बिट्टो, जिसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन दवाई दे रही है मम्मा ने, तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, है ना। ये सब भी मम्मा की वजह से हुआ, मम्मा ने उसको टकलू करा दिया, इस वजह से मेरा डुल्लू बीमार हुआ। देखो, और ये देखो बाहर का नज़ारा जरा सा, ये देखो कोहरा है ऊपर आसमान में। ये तो पास में है, बट रोड पे अगर जाओगे तो बिल्कुल कोहरा नज़र आएगा आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए गाइस, ये मेरी बेटी कुछ कह रही है। क्या है बाबू? चीता बिट्टू रानी चिट्टा दिखा रही है। चिट्टा वेरी चिट्टा चिट्टी नोटा चिट्टा चिट्टी। इधर इज मम्मी, मॉमी तनु से हाय टू गाइस, एनी मैसेज फॉर योर व्यूअर्स। हाय गाइस, तो मौसम आज बहुत ठंडा हो रहा है, तो मैं सोची हूँ कि अभी पकौड़ी बना लूँ। सोच क्या रही है, तो बना फटाफट जाके। जा रही हूँ, पता है ये परेशान कर रही है ना थोड़ा। और अभी हम पकौड़ी का आनंद लेंगे, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि तनु ने कैसी पकौड़ी बनाई है, ठीक है। तो मिलते हैं। तो गाइस, पकौड़ी का बैटर हो गया मेरा तैयार, तो मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, और इसमें मैं बना रही हूँ चाय। पकौड़ी के साथ चाय ना हो तो टेस्ट कहाँ आता है गाइस। क्या चाहिए आपको? मम चाहिए। हाँ, आप परेशान करती रहती हूँ। खाने जा रही हूँ पकौड़ी। आप देखो गाइस, कैसे बनाना पड़ता है खाना छोटे बच्चों के साथ। मम्मा नीनू आई आपको? आप झूठ बोल रहे हो, अभी तो आपने उठे थे। नहीं खाऊंगी, दीदी खाएगी फिर ना। कौन खाएगा? काव्या, ए काव्या, काव्या कैसे? तो गाइस, हमारी पकौड़ी लगभग तैयार हो गई है, बस अब खाना है, चाय बन जाए, क्या मजा आएगा पकौड़ी खाने का ठंडे ठंडे में। गाइस, आप लोग भी अपने घर में बनाइए पकौड़ी, इस टाइम तो मौसम अच्छा है, पकौड़ी खाने की मजे लीजिए। वेट की चिंता मत कीजिए। हाँ बेटू, परेशान करती है यार ये, खड़े हो जाओ, सीधे जल जाओगे बेटा। तो गाइस, मेरी पकौड़ी और मेरी चाय हो गई तैयार, अब हम टूट पड़ते हैं इसमें। Yeah!
चलो अम्मी को खाना है। अम्मी को यम मम्मा। हाँ अच्छा बाहर जाके खाओगी। अच्छा मम्मा स्टार्ट। कैसी बनी है? मैं बनाऊँ और टेस्टी ना बने ऐसा हो सकता है? नहीं। अब खाओ। ये आधा आप खाइए। आप खा लो। और ये काव्या ने पूरी पकौड़ी मुंह में रखी है। अच्छा ऑटो पहले खा ले फिर बात कर। चल गाइस हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कुछ काम है निपटा के आते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को मार्केट में। पति देव अपनी स्कूटी साफ कर रहे थे गाइस। क्या रखा है इसमें इतना सब कुछ है? देखो हमारी टुक टुक। ऐसे हम निकल चुके हैं घर से मार्केट की ओर, चलो मिलते हैं आप लोगों को मार्केट में। देखो वैसे भी बहुत ठंडा हो रहा है आज तो मौसम। राम जी की धरती है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री चुके हैं मार्केट से घर पे। ठंड के मारे है स्कूटी में हालत ख़राब हो गई थी, वो बोलते उगते भी अजीब सा लग रहा है। तो हम दिखाते हैं आपको कि मार्केट से क्या क्या लिया है। मार्केट से मिलाई थी अदरक आधा किलो और आलू लाई थी और सॉक्स लाए हैं इसके पापा के लिए और ये लाए हैं भगवान जी के बतासे, और क्योंकि मैं सुबह पूजा करती हूँ तो भगवान जी को बतासे ही चढ़ाती हूँ। और अपने लिए लाए हुए प्यारा सा टोपा, तो गाइस आप लोगों को पसंद आता है नहीं आता है दिखाती हूँ आप लोगों को पहन के। तो गाइस देखिए कैसा लग रहा मेरा टोपा। और एक लाए थे इसके पापा काव्या के लिए लाई थी मैं ये टोपा, और अभी काव्या को पहनाएंगे, अभी नहीं स्कूल जाते वक्त तो पहनेंगे। और इसके पापा लाए अपने लिए स्कूटी, स्कूटी में जाते हैं तो कान नहीं ढकते उस वाले टोपे से, तो इसलिए ये वाला ले आए। तो गैस अब मेरा टाइम हो रहा है दिन का खाना बनाने का, लेट हो चुकी हूँ, 2 बज गए हैं, तो मैं जल्दी से दिन का खाना बनाती हूँ, तो मैं मिलती हूँ आपको बाद में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।